सो बॉयज अगली वीडियो बनानी है, कोई टॉपिक सजेस्ट करो यार। मेरे ख्याल से ना लाइफ आफ्टर बकरा ईद बना लेते हैं, क्या सीन है यार। वो तो यूनिक मार्केट फिल्म्स वालों ने ऑलरेडी बना ली हुई है यार, आप लोग कोई और आइडिया दो यार। मेरे ख्याल से ईद का सीजन है तो बारबेक्यू के ऊपर कोई वीडियो ना बना ले यार। वलीद याद है जब लास्ट टाइम ये वाली वीडियो बनाने गए थे, सारा बारबेक्यू तो मैं खा गया था, फिर तुम लोग मुझसे लड़ते हो। लास्ट टाइम भी ये वीडियो नहीं बनी थी यार, और तो कोई आइडिया थे यार। तुम लोग क्या वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, इतना मुश्किल काम है। राम स्कूल से व्लॉग बनाते हैं ईद का, कोई मेहनत नहीं करनी पड़नी और काम भी हो जाए यार। ये बात की है ना तुमने बिल्कुल नॉन क्रिएटिव बंदे वाली। भाई ये वो काम करते हैं जिन लोगों के पास कोई आइडिया नहीं होता, हमारे पास दिमाग है, हम लोग कर लेंगे। आई समझ। और भाई तू सबके आइडियाज में कीड़े निकाल रहा है, खुद ही बता दे कुछ यार। मुझे पहले ही पता था तुम तीनों में किसी काम के बंदे नहीं हो, हर दफा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं ही तुम लोगों को बता देता हूँ। हम लोग बनाते हैं टाइप्स ऑफ यूट्यूबर्स। ओ हाँ यार, ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया अली तुमने। ठीक है भाई, आइडिया तो फाइनल हो गया, अब मैं तुम लोगों को आपकी ड्यूटीज बता रहा हूँ, वो काम छोड़ कर सुन लो। गोवर तेरी जो ड्यूटी है ना, वो जितनी भी लोकेशंस है ना, मैं आपको स्क्रिप्ट फॉरवर्ड करूँ ग्रुप के अंदर, उस हिसाब से सारी लोकेशंस कल अरेंज होनी चाहिए। अच्छा भाई। वलीद अब तेरी जिम्मेदारी है प्रॉप्स की, तूने रात की मुझे बता देना कि इसमें ये वाले प्रॉप्स चाहिए, जो खरीदने वाले हैं मुझे बता दी ताकि मैं तुझे पैसे भेज दूं, तू सुबह खरीद कर ले आए। आई समझ। बस ठीक हो गया। और समीर जो तेरी जिम्मेदारी है ना, सारी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, माइक चार्ज होना चाहिए, और बराए मेहरबानी इस दफा कार्ड घर ना भूल के। एक तो ये हमारी टीम की बुक हो है ना, ये नहीं बात को छोड़। और भाई साल हो गए इस बात को, अब नहीं होता। ओके गाइस चलो फिर अपने अपने काम लग जाओ, कल 12 बजे तुम लोग इधर हो। 11:59 भी नहीं चलेगा और 12:01 भी नहीं चलेगा। आई समझ। ओ भाई 1 मिनट, तूने क्या करना है? ये स्क्रिप्ट किसने बनाई है? मैंने। तुम लोगों को आइडिया किसने दिया? मैंने। ड्यूटी किसने अलॉट की? मैंने। तो भाई ये काम नहीं तो और क्या, ज्यादा ना सवाल जवाब ना किया करो, मेरा दिमाग ना उठो और अपने अपने काम लग दो। जा रहा हूं मैं। गाइस ये मैंने तुम लोगों को स्क्रिप्ट भेज दी है, अब इसको एक दफा गौर से चेक कर लो और जो जो ड्यूटीज दी थी ना उसके मुताबिक हर चीज कर लेना। आई समझ। समी इनफ इज इनफ, अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। तब से तुम मेरे पे इल्जामात लगा रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ब्रो। ओ भाई मैं नहीं कह रहा, इसने मुझे बोला आके, सारी गलती इसकी है मैनेजर की। ये ले समी ये कैमरा है और सारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, इसमें से कार्ड निकाल, डाटा कॉपी कर और कल 4 बजे तक मुझे पूरी वीडियो एडिट चाहिए। अपलोडिंग डिपार्टमेंट में वलीद है, उसको ये 4 बजे तुमने कार्ड देना और मेरा मैसेज दे देना कि अली सर बोल रहे हैं 7 बजे वीडियो अपलोड होनी चाहिए। ओके ओके हो गया, मैं बोल दूंगा। 6.5 hours late. शुक्र है भाई एडिट कंप्लीट हो गई है, वरना आज भी अपलोडिंग लेट हो जानी थी। अब कार्ड वलीद को दे के आता हूं। लीड ये कार्ड में वीडियो और थंबनेल दोनों है, पूरे 7 बजे वीडियो अपलोड कर दी। ठीक है ये ले। लीड मेरी बात सुनो, मैं ज्यादा एडिटिंग नहीं लेनी, ये वीडियो मैंने कल हर हाल में लगानी है। जब मैं ऐसे करूंगी ना, ये देख लो ऐसे, ये बैग मुझे पकड़ा देना, ये पकड़ो पकड़ा देना। आवाज है कोई प्रेम कवि, प्रेम कवि नजर नहीं आ रहा, मैंने 2 दफा ऐसे कर दिया, बैक में मुझे पकड़ा था, पकड़ा क्यों नहीं? मेरा ध्यान नहीं रहा, दोबारा कर लो। अब अपना सारा ध्यान मेरी तरफ रखना, जब मैं ऐसे करूंगा मुझे बैक पकड़ा देना, तुम्हें पता भी इतनी ज्यादा मैंने लगती है, अभी दूसरा पार्ट मैंने रिकॉर्ड करना है, अब ध्यान नहीं रखना मेरी तरफ। ओके आवाज है कोई प्रेम कवि तू इसकी लिखी कब, नजर नहीं आ रहा है, मैंने 2 दफा ऐसे कर दिया। तुमने कहा था ऐसे करना पर तुमने ऐसे किया, उल्टा किया। मेरे भाई तुम्हें हर चीज समझानी ही क्यों पड़ती है, या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, बात तो एक ही है ना। अब मेरी बात गौर सुनो, मैं दुपट्टा ऐसे करूंगी फिर मुझे पकड़ा दोगे तुम? हाँ हाँ समय लग जाएगी। अब ध्यान से, आवाज है कोई प्रेम कवि, पागल हो, मैंने ये बोला था ये नहीं, और ये मुंह पे क्यों मार रहे हो? तुम्हें पता ये बरस है, मुंह पे सिर्फ मॉइस्चराइजर वाली ट्रांजिशन होती है, ये दोबारा पकड़ो और मेरे मुंह पे नहीं मारना, हाथ में पकड़ाना मुझे। मुझसे नहीं होता है, मैं तुम्हारे लिए पबजी छोड़ के आया हूं, 5 दफा तुमने डांट दिया, खुद ही करो। वो नखरे चेक करो, एक तो मुझसे 500 रुपया लेता है और नवाब बना मुझ पे, जाओ मैं खुद बना लेती हूं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा फ्री में खाना कैसे खाते हैं, इनसे फ्री में खाना खाते हैं। आज मैं इनकी सबसे फेमस चीज खाऊंगा और वो भी फ्री में, देखते जाइए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा मजे मजे के खाने, तैयार रहिए। एक्सक्यूज मी जी सर, आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे? तो जी ये भाईजान आ गए हैं, इन्होंने अपना मेन्यू दिया है, देखते हैं इनके मेन्यू में सबसे मजे की चीज क्या है। ये है इनका मेन्यू, भाईजान आप ही बता दें सबसे मजे की चीज क्या है। एक्चुअली सर आप वीडियो नहीं बना सकते, सॉरी। लगता है सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं एक्चुअली बहुत फेमस ब्लॉगर हूँ, इस्लामाबाद से आया हूँ, आपका फायदा सोच रहा हूँ। सर इसमें हमारा क्या फायदा होगा? भाई जान जब ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा ना, लोग देख के आपके रेस्टोरेंट पे आएंगे। है सर सच में? मेरी वीडियो पे 10,000 व्यूज आते हैं, वो भी ऑर्गेनिक, 1,000 भी लोग आ गए आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे।
वाह सर जी, अच्छा फिर ये बताएं आप ऑर्डर क्या लेंगे? भजन जो भी आपकी फेमस चीज है आप वो ले आए। ठीक है सर, अभी आ गया। तो गाइज ऑर्डर आने लगा है, ये चेक करें कितने मजे के पिज्जे लेके आए हैं भाई जान। तो गाइज ये चेक करें, ये इसकी क्रीम चेक करें गाइज, क्या बात है। मैनेजर भाई। जी सर। भाई जान इतने मजे मजे के पिज्जे हैं, आप मुझे इनके फ्लेवर्स बता सकते हैं? सर जी ये वाला जो है ये हमारा मोस्ट स्पेशल क्रीमी पिज्जा है, और ये वाला फजीता। तो गाइज ये है क्रीमी और ये है फजीता। सर जी बस यही नहीं, अभी आपका और ऑर्डर भी आ रहा है। तो गाइज पिज्जों पे बात खत्म नहीं हुई, अभी और भी ऑर्डर आ रहा है, देखते हैं वो क्या है। ये ले सर जी, आपका इंतजार हो गया खत्म, ये हमारा मोस्ट फेमस अमेरिकन डिलाइट। ओ भाई जान इतना बड़ा बर्गर। सर जी आप ट्राई करें, आपको बहुत मजा आएगा। तो भाई जान अब मैं ये मजेदार बर्गर आपको खा कर दिखाऊंगा, ये चेक करें आप। मुझे तो समझ नहीं आ रही इसको मैंने खाना कैसे है, इसलिए पहला बर्गर होगा जिसको मैं छुरी कांटों के साथ खाऊंगा। इतना क्रिस्पी बर्गर मैंने आज तक नहीं खाया, और मजे की सॉस, इतना ज्यादा स्टफ कौन करता है भाई। A few moments later. तो गाइस बहुत मजे का खाना था। सर जी ये ले आपका बिल। भाईजान बिल किस चीज का? मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, आपको व्यूज दे रहा हूँ, इस चीज के मैं पैसे लेता हूँ, आप मुझसे बिल लेने? तो सर जी आपने खाना भी तो खाया ना, उसके पैसे तो आप देंगे। ओ भाईजान हम ब्लॉगर हैं, हम पैसे देते नहीं पैसे लेते हैं। अगर कोई उल्टी बात की ना गाइस, बहुत ही बकवास खाना था, यहाँ पे कभी मत आइए। ओह नहीं नहीं सर जी, सर जी मैं तो मजाक कर रहा था, तू सीरियसली ले गया। मैं तो ये कह रहा था आपकी वीडियो में थोड़ा सा फन आ जाए, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आप बिल जरा भी ना दें, कोई मसला ही नहीं है यार। सारा प्लान चौपट हो गया, ये तो वो साहब हो गया, चोरन पैगे मोर तो मोरन पैगे होर। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी टीम की बिहाइंड द सीन्स गेम्स चैलेंजेस या डेली व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल विजित वकार सब्सक्राइब करें, नीचे आपको नाम शो हो जाएगा या ऊपर बैनर आ जाएगा। और तो और हमारा मेन चैनल WT को भी सब्सक्राइब करें, उसको 1 मिलियन करने में हमारी मदद करें। रहूंगा दे ले, इधर आ रहूंगा। ओके 1 मिनट भाई, 1 मिनट इनको खामोश होने दो। ओके 3 2 1। सर जब मैं ये वीडियो लगाऊंगा इसके ऊपर बहुत सारे व्यूज आएंगे। 1 2 3 गो। सर जब मैं ये वीडियो लगाऊंगा इस पर बहुत फिर से। यार ऐसा बहुत सारा प्लान चौपट हो गया, ये तो वो बात बारह कर। 1 2 3 गो। हाँ गाइस अगली वीडियो बनानी है, क्या बनाई है? नहीं तो क्या सीन है यार, वो तो यूनिक माइक्रोफिल्म्स वालों ने बनाई है, मेरे पास एक आइडिया है, सेशन कोड वाली बनाते हैं। 1 2 3 गो। यार मेरे ख्याल से बारबी के ऊपर की बात। दोबारा 1 2 3 गो। यार मेरे ख्याल से बारबी के ऊपर कोई वीडियो बना लेते हैं। दोबारा कर 1 2 3 गो। यार मेरे ख्याल से बारबी के ऊपर कोई वीडियो बना लेते हैं। दिस तरह पड़ेगी। 1 2 3 गो। ओ यार तुम लोग क्या। 1 यार ओए तू हंसना।